दोस्तों, कैसे किसान को खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। 20वीं शताब्दी में अमेरिका के नवाड़ा में रहने वाले किसान ने गजब की खोज की, जहां किसान ने खेतीबाड़ी का काम शुरू किया। लेकिन पानी नहीं होने के कारण किसान ने वह कुआं खोदना चाहा, जहां पानी मिलने के चांसेस काफी कम थे। जिसके बाद किसान ने मिट्टी में खोदते हुए कुआं खोद डाला, जिसमें उसे एक ऐसी चीज मिली जो उसने कभी नहीं सोची थी। यानी कि उसे खुदाई के दौरान एक पानी का कुआं मिला, जिसका पानी बहुत गर्म था, करीब 198 डिग्री तापमान जितना गर्म था, जिसके चलते उस आदमी को वहां खुदाई रोकनी पड़ी। लेकिन तभी जब उसके बेटे को भी बात पता चली, तो उसने 1964 में वापस खुदाई करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ समय बाद भी जब पानी गर्म रहा तो उन्होंने खेतीबाड़ी छोड़ दी। परंतु इसी दौरान उन्होंने एक कमाल की खोज कर दी, जहां अलग अलग रंग की चट्टान बनने लगी, जो एक गर्म पानी का गीजर बन गया था, जिसके बाद इसका नाम फ्लाई गीजर रखा गया, जिसकी ऊंचाई 10 फीट की थी। आप सोच रहे होंगे कि इस चट्टान का रंग कैसे बदलता है, तो आपको बता दें कि इसमें मौजूद साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्जी दोनों के मिलने के बाद ही गीजर की चट्टान रंग बदलती है, जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना।